बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लेक्चर फिज़िक्स के मुतल्लिका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे कोलंब लॉ की। कोलंब एक साइंटिस्ट है जिसने चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन के हवाले से बात की। कानून के अल्फाज क्या हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of point charges and inversely proportional to the square of distance between their centers. Consider two point charges Q1. Consider two point charges Q1 and Q2 are lying in the electric field of each other, यानी एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हुए ये Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस हैं। इनमें दो कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, फर्ज करो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की होगी। इसको अगर हम F12 और इसको F21 कहेंगे, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये इनका डी, या फिर इसको आर से भी जो है इंडिकेट किया जा सकता है, ठीक है। यानी दोनों का ये डिस्टेंस है, आर से इसको इंडिकेट किया गया है, तो ये डिस्टेंस आर। अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इसमें भी ये अगर क्यू वन है, ये क्यू टू है, तो इसमें भी ये क्यू वन और ये क्यू टू है, इसमें भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, डिस्टेंस इनके दरमियान भी आर होगा। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है, ये अपोजिट चार्जेस हैं क्यू वन और क्यू टू, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसकी फोर्स जो है इसको हम एफ वन टू और इसको एफ टू वन कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ कोलंब सेज दैट force of attraction or repulsion between two point charges always directly proportional to product of point charges. तो दोनों charges Q1 and Q2 हैं, दोनों एक दूसरे के electric field में पड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये अगर एक charge है Q, दूसरा charge जो है ये फर्ज करो plus Q charge है, तो minus Q charge जो है इसके electric field में पड़ा हुआ है। वो charge जो electric field के बाहर होगा, वो उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पड़ा हुआ चार्ज इसके ऊपर किसी किस्म की कोई इंडक्शन पैदा नहीं करता। जरूरी है कि दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में हों। यानी जैसे कि इस तरह कहा जा सकता है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और दूसरा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर काम नहीं करता,
दूसरा यहाँ पर अगर पड़ा हुआ है माइनस क्यू, तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ना वो असर कर रहा है, तो दोनों का एक दूसरे पर कोई असर नहीं होगा, ना रिपल्शन होगी और ना ही अट्रैक्शन होगी, लिहाजा दोनों चार्जेस को एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, फिर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है ना वो हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस, वाइल इन द सेकंड स्टेटमेंट उसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने आर से डिनोट किया हुआ है, तो लिहाजा दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका भी फासला है उसका भी, इसलिए इसको आर स्क्वायर जो है ना इंडिकेट किया जाता है। दोनों रिलेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्यू वन क्यू टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर स्क्वायर के। बाय रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोलम्स लॉ की इक्वेशन जो है वो अखज होती है। हेयर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इट इन सिस्टम इंटरनेशनल द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1/4π ई नॉट इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कॉलम स्क्वेयर। तो सिस्टम इंटरनेशनल जो के की वैल्यू है वो स्पेसिफिक होती है, कॉन्स्टेंट होती है, इसको कॉलम कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कॉलम स्क्वेयर इसकी वैल्यू है। तो 1/4π ई नॉट जो है इसकी वैल्यू जो है वो आमतौर पर नेक्स्ट जब आप FSC क्लासेस में जाएंगे वहां पर इसकी इंट्रोडक्शन होगी आपके लिए, तो यहां पर K की वैल्यू को आप समझ सकते हैं कि ये इतनी होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, अगर किसी किस्म का आप वहाम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं।